नमस्कार, शुक्रवार की सुबह पाव ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निहाल। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो कुछ ठीक ठाक शुरुआत होती हुई दिखी है, गिवन द फैक्ट कि हमने कुछ दिनों से एक ठंडी और गिरावट भरी शुरुआत देखी थी। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक ऊपर है, 17,641 के पास हो रहा है कारोबार। डाउ फ्यूचर्स है तो थोड़ा सा कमजोर, लेकिन एक छोटे दायरे का ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। 17-18 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी फ्लैट टू नेगेटिव है, 20 अंक कमजोर इस समय नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालते हैं तो निके जापानीज मार्केट 316 अंक ऊपर है, और बाकी जितने भी मार्केट धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वो एक दायरे में है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड ही यहाँ पर नजर आ रहा है। कमोडिटी स्पेस में मिला जुला कारोबार है। कच्चे तेल की गिरावट पर लगा है ब्रेक, लेकिन सोना है सुस्त। डॉलर इंडेक्स ऑफकोर्स 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में और किन क्यूज पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, कुछ अच्छी खबर हमें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मिलेगी? ब्राइट एंड सनी रहने चाहिए जैसे हमारे हमारी पोशाक है। अच्छा मूड माहौल, फाइनली थोड़ा आपको अच्छा मूड माहौल दिखा है, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया है जिसकी वजह से, बट बाजार भी परेशान हो गए कि कितने समय तक एक ही भी है, इन्फ्लेशन का डर अभी भी है। बट एक रिलीफ मूव आपने कल शाम अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखी है, और इसी का रिफ्लेक्शन आप आज सुबह हमारी स्क्रीन पर भी आते हुए देख रहे हैं। एशिया के बाजार भी अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर है, बाकी के एशिया के बाजारों में अच्छी तेजी है। जापान के बाजार 1.25% ऊपर आपको दिख रहे हैं, और दो तीन चीजें जापान में हो रही है। उनका इन्फ्लेशन डेटा आज सुबह आया है, 4.2% पर जनवरी की उनकी महंगाई रही है, जो 31 साल में सबसे ज्यादा है। बट जापान इससे परेशान नहीं है, उन्हें इन्फ्लेशन चाहिए, अभी भी उनके रेट्स नेगेटिव चल रहे हैं। और आने वाले जो उनके गवर्नर हैं कजियो युएडा साहब, उनका जो बयान है उनकी पार्लियामेंट में वो फिलहाल जारी है, तो वहां से जो भी कमेंट्स आएंगे उस पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि वो बहुत डविश माने जाते हैं, रेट्स पर इतने अग्रेसिव नहीं माने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन डेटा उनका 41 साल की ऊंचाई पर है, बट फिलहाल वहां पर जापान के बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। देखते हैं अगर कोई कॉमेंट आता है आने वाले गवर्नर साहब से तो उस पर बाजार का रिएक्शन आता है या नहीं। यूएस, यहाँ पर हमने बाजारों में एक हल्का रिबाउंड कल आते हुए देखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ और नैसडेक फ्यूचर्स आपको करीब 100-100 अंक ऊपर दिख रहे थे, उसी तरह का रिएक्शन और एक्शन कल अमेरिकी बाजारों में देखा। तो उतार चढ़ाव के बीच चार दिनों की गिरावट पर डाउ और S&P पर कल ब्रेक आपको लगते हुए दिखा है। 100 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, बट दिन में आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग हुई, उसके बाद काफ़ी शार्प फॉल आया, और फिर एंड ऑफ ट्रेड सेकेंड हाफ में रिकवरी भी रही, जहां पर निचले स्तरों पर 350 अंक रिकवर होकर डाउ फाइनली 100 अंक ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में कल देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा था। एक तो बॉन्ड यील्ड 3.9% के थोड़े नीचे आ गई है, तो उससे थोड़ी राहत आई थी। कुछ दिन पहले हमने देखा था इनकी बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 4% पर पहुंच चुकी थी। इन्फ्लेशन का डर अभी भी है, बट थोड़ा बाजार ने कल राहत की रैली देखी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एनविडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, इसके शेयर में 14% का उछाल आया, क्योंकि नतीजे काफ़ी मजबूत आपको आते हुए दिखे थे। वहीं उसके सामने अल्फाबेट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे शेयरों में कल गिरावट दिखी है। स्पेशली नेटफ्लिक्स जो 3% का लुढ़का है, क्योंकि 30 कंट्रीज में इन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन रेट्स में कटौती करी है। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स जो पिछले 2-3 दिनों से पिटाई खा रहे थे, वहां पर कल एक हल्का रिबाउंड आया। तो इन सभी तरह के एक्शन आपने कल बाजार में देखे, बट अच्छी खासी मूव अमेरिकी बाजारों में दिखी है। इनका जो जीडीपी का डेटा है, सेकंड रीडिंग आई Q4 जीडीपी की, पहली रीडिंग में 2.9% रही थी, अब सेकंड रीडिंग में इनकी जीडीपी 2.9% से गिरकर 2.7% पर आ गई है। तो थोड़ा ये कंसर्न है, फाइनल रीडिंग थर्ड रीडिंग जब आएगी तब फाइनल डेटा हमारे सामने होगा। इसके अलावा यहां पर साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे, अनुमान से कम रहे। उसके सामने हमने ये भी देखा है कि इनका जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है PCE, ये आज आने वाला है, और यहां पर अनुमान है कि 4.4% से गिरकर 4.3% पर आएगा। ये काफी अहम डेटा है, क्योंकि फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को भी काफी क्लोजली ट्रैक करता है। तो थोड़ा डेटा स्पेसिफिक एक्शन आपको अमेरिका में दिख सकता है। इसके अलावा यूरोप, यहां पर आपने मिला जुला एक्शन रहा, बट एक शेयर है रोल्स रॉयस, यूजली बात नहीं होती है, 23% का उछला है, क्योंकि इनके नतीजे काफी दमदार रहे, 57% प्रॉफिट में आपने बढ़त देखी थी। वहीं यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा भी आया, लगातार तीसरे महीने हमने गिरावट देखी है, 9.2% से गिरकर 8.6% पर आया है, अच्छी बात है। बट कोर CPI ये बढ़कर आया है, 5.2% से बढ़कर 5.3% पर आया। तो अगेन ये भी कुछ डेटा है जहां पर आपको रिएक्शन आज दिख सकता है।
फाइनली जैसा आप कमोडिटी की बात कर रही थी, 6 हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स है, उसके सामने सोना 7 हफ्ते के निचले स्तर पर है, चांदी दायरे में है। कच्चे तेल में कल एक रिबाउंड आया, 2% ऊपर रहा है क्योंकि रशिया के सप्लाई कटौती से एक सहारा मिल रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि डॉलर तेज है और साथ ही अमेरिका में तो वीकली भंडार लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कई सालों के हाई पर है, तो वहां से थोड़ा अपसाइड पर आपको कैप भी लगते हुए दिखाए। कल मेटल्स के लिए काफी खराब दिन था, अक्रॉस मेटल्स कल भारी गिरावट आपने देखी है, तो वो भी एक फैक्टर है जो रेडार पर रहना चाहिए। ओवरऑल मूड ठीक ठाक लग रहा है बाजारों का। ओके, मूड ओवरऑल ठीक ठाक है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नई सीरीज की शुरुआत आज से होनी है, कुछ शुभ शुरुआत यहाँ पर होते हुए देखे, जिस तरह के पिछले कुछ सत्र रहे हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो कैश स्पेस में तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हाथ लगी है, लेकिन FNO स्पेस में कुछ अच्छी खासी खरीद के नंबर्स निकल कर आए। ऑफकोर्स एक्सपायरी के आंकड़े वहां पर जुड़ जाते हैं और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो उनकी तरफ से भी कॉन्फिडेंस बरकरार है। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो फिलहाल जिस तरह के ग्लोबल संकेतों में टर्न अराउंड हमने देखा है, उन सब के मद्देनजर आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, नई सीरीज की शुरुआत किस नोट पर होती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, मार्च वायदा की सीरीज में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, बताइए सर क्या एक्सपेक्ट करके चले, निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे? नेहा देखिए, मार्च सीरीज की शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत हैं तो कुछ थोड़ी कमजोरी वाले। अच्छे संकेतों में ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच हल्की रिकवरी देखने को मिली अमेरिका में, ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा ये कि हम नई सीरीज की शुरुआत बेहद हल्के नोट पर कर रहे हैं, FIs के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफी नीचे है, ट्रेडर्स जो कमजोर ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशन स्पेशली तेजी की तरफ वाली 5 दिनों की कमजोरी की वजह से कल एक्सपायरी के साथ साथ काफी कम हो चुके हैं, तो हल्के नोट पर हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छा संकेत है। जहां तक कमजोरी के संकेतों का सवाल है, FIs की बिकवाली का दबाव जबरदस्त लगातार है, कल भी बड़े आंकड़े आते हुए दिखे, तो ऊपरी स्तर पर बाजार के लिए वो चैलेंज चुनौती होगा कि FIs की बिकवाली आना कम हो या बंद हो, अदरवाइज सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और तकनीकी तौर पर तो बाजार कमजोर है ही, क्योंकि आप 17,600 के नीचे निफ्टी पर लगातार 2 दिन से क्लोजिंग दे रहे हैं और बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास बंद होता दिख रहा है। इन सबके बीच में आखिरी सपोर्ट लेवल के आसपास जो शॉर्ट टर्म के लिए आखिरी सपोर्ट लेवल है उसके आसपास हमारे बाजार ट्रेड कर रहे हैं और ये रेंज है 17,350 से लेकर 17,450 की। इस रेंज को मजबूत सपोर्ट के तौर पर लेकर चले निफ्टी में और ऊपरी स्तरों पर 17,725 की रेंज है यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि नई सीरीज है, हल्के बाजार है, तो एक अटेम्प्ट ऊपर की रेंज में जाने का होगा। अब ये देखना है कि वहां पर हम टिक पाते हैं या वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,400 से लेकर 39,600 ये आखिरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जो होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 40,500 से 40,700 की रेंज ऐसी है जहाँ पर पहला लेवल है, वहाँ पहुंचने पर सप्लाई आती हुई दिखेगी और उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी संकेत कैसे मिलते हैं। तो ये है कुछ बड़े रेंज और लेवल जिन पर आपको आज और सोमवार तक के लिए फोकस करना चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज नई सीरीज की शुरुआत में क्या उम्मीद रख के चलनी चाहिए। तो किसी तरह की बहुत खराब खबरें नहीं है, लेकिन कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। सर भी कह रहे थे क्योंकि हम यहाँ पर थोड़े हल्के हुए हैं तो आपको अटेम्प्ट अपसाइड का जरूर दिखेगा, 17,350 से 450 निफ्टी के लिए वो सहारा देने वाली बैंड होगी। ऊपर जो चैलेंजिंग रेंज है यानी कि रुकावट वाली रेंज 17,625 से 725 की दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 39,400 से 600 यहाँ पर कुछ स्ट्रांग सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और अपर बैंड है वो 40,700 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ तैयार होकर बिल्कुल जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन करवा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज वैसे नतीजों में तो कुछ नहीं है, पर अगर आप देखेंगे कि ट्रिगर्स में काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप देखेंगे कैश के हिसाब से, अगर आप देखेंगे कि स्पाइसजेट जहाँ पर बोर्ड बैठक में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर जो है विचार किया जाएगा, और पहली जो है FMCBG जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो G20 की जो मीटिंग है वो भी होती हुई दिखेगी। कई सारे स्टॉक्स में एग्जिट है इंटरिम डिविडेंड पर, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, ONGC, PFC, PI इंडस्ट्रीज, NMDC, CESC और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन है जहां पर आपको कई सारे इंटरिम डिविडेंड्स है, वहां पर उसकी एग्जिट्स है।
नतीजे आए थे, नतीजे में अगर आप बात करेंगे कल केस भी लिमिटेड के नतीजे आते हुए दिखे, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं सभी पैमानों पर। अगर आप देखें आय लगभग 18% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 36% बढ़कर आया है, मार्जिन 12.7% से बढ़कर 14.6% पर होते हुए दिखे हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है ₹15 का। उसी के साथ साथ सनोफी इंडिया की अगर आप बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी आपको दिखेगा थोड़े कम आए, बाकी सारे पैमानों पर आपको दिखेंगे नतीजे वहां पर भी बढ़िया दिख रहे हैं। आए जैसा कि मैंने कहा था लगभग 2% के आसपास जो है वो गिर कर आती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफा 31% बढ़ कर आया है, मार्जिन में बड़ा जम देखा गया है 18.5% से बढ़कर लगभग 25% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग आपको 45% का जो है उछाल दिखेगा और डिविडेंड भी का भी ऐलान हुआ है ₹194 का। खबरों पे आ जाते हैं, खबरों पे सबसे पहले टाइटन पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी फ्लैग ने अपनी फेवरे लियोपा जो एक ब्रांड है उसको प्रोस्पेक्टिव बायर को बेचने के लिए वो तैयार हो गए हैं। अगर आप अब मैं आपको बताऊंगी दिसंबर 2020 में जो है और ये अगर आप बात करेंगे कि इसको कंपनी ने निर्देश दिए थे कि आप आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्केल डाउन करिए और उसी के बाद अगर आप देखेंगे अभी ये भी अपडेट आता हुआ दिखाए कि जब ये बिकवाली हो जाएगी उसके बाद वो लिक्विडेशन के लिए भी फाइल भी कर देंगे। हनीवेल ऑटोमेशन की अगर बात करें यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग के लिए अगर आप 28 अप्रैल से जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। वहीं जी एंटरटेनमेंट पर यहाँ पर भी खबर आती हुई दिखी है कि आज एक तो एनसीएलटी जी इंसॉल्वेंसी केस में अपील पर सुनवाई तो है ही सही, उसी के साथ साथ ये भी जो है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाला है क्योंकि जो आईबीसी फ्रेमवर्क में आने के चलते ये भी 28 अप्रैल से एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा। टेक महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन जर्मनी ने करार का विस्तार किया है, ये मल्टी ईयर जो है उसका मल्टी ईयर करार है वो किया है उन्होंने और इसके चलते करार के तहत जो है जो टेक महिंद्रा की कंपनी है उसके जरिए सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस की प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए जो है ये करार किया गया है। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है, 1 मार्च तक सिटी ग्रुप इंडिया कंज्यूमर यूनिट के अधिग्रहण पूरा होने की संभावना है और उसी के पे अपडेट देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों कंपनियों ने जो इंटीग्रेशन की प्रोग्रेस में उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है जिसमें कस्टमर्स के अप्रूवल भी ले लिए हैं। एल्केम लेबोरेटरीज यहाँ पर जो इनके इंदौर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में USFDA से अब वो जो इंस्पेक्शन है वो पूरा बंद हो गया है और ये 1 से 7 जुलाई के बीच में 2022 के दौरान जो है यहाँ पर USFDA ने प्री अप्रूवल जांच की थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर अब ये जो इंस्पेक्शन है वो बंद हो चुका है। और अंत में रेल विकास निगम पर बात करेंगे क्योंकि कंपनी को MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण से लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ओके चलिए तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, मिस मत करिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल, शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ जो कि दिग्गज SBI में खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। खरीदारी की इस सलाह में आपको 509 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 538 का होगा। अनराठी सिक्योरिटीज की अब बारी आती है, पॉली कैब इंडिया खरीद के चलने की सलाह है, लक्ष्य 4140 का है, स्टॉप लॉस 3015 का लगाना है और एशियन पेंट सेल करके चलने की रिकमेंडेशन आज निकल के आ रही है। फ्यूचर्स को सेल करें 2760 का स्टॉप लॉस, टारगेट डाउनसाइड में 2650 का आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी खास वो आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। इस सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी मॉर्निंग, सबसे पहले तो मार्च सीरीज की शुरुआत आज से होनी है, किस नोट पर होती दिख रही है, कोई वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा दर्शकों के लिए? देखिए अगर मार्केट देखे तो पिछले एक्सपायरी में काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है और ये जो एक्सपायरी रहेगी मार्च की एक्सपायरी वो लॉन्गेस्ट एक्सपायरी रहेगी और लॉन्गेस्ट एक्सपायरी करने से क्या है कि मार्केट एक बड़ी डिरेक्शन के लिए जाता है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है शायद और थोड़ा करेक्ट हो सकता है, वापस मार्केट में बन सकता है जी। तो ब्रॉडर फॉर्मेशन यही दिखा रहा है जो उसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल बन के आए हैं वो है 17,300-17,200 के, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मार्केट के लिए सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो रहेगा मार्केट के लिए वो 17,800 का रहेगा। तो जब तक 17,800 के लेवल क्रॉस ना करें तब लगता है कि मार्केट इसी रेंज में हमें ट्रेड करते हुए नजर आएगा, लेकिन यस मार्केट अगर 17,200-17,300 के रेंज में आता है तो वहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग की पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके वैलिड पॉइंट। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन श्रीकांत जी कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है अभी भी मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन है और इसीलिए मुझे लगता है कि एक लॉन्ग एक शॉर्ट की पोजीशन बनाए। लॉन्ग में हमें लगता है कैपिटल गुड्स में कंपनी इंडिया को लॉन्ग करें और तकरीबन 1500 के करीब का बंद है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये वो तकरीबन हमें यहाँ
ओके श्रीकांत जी का ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज हम तक पहुंच गई है। कमेंट्स पर तो रिकमेंडेशन आपके सामने है, खरीदारी करके चलनी है, 1640 का टारगेट है। एक उन्होंने सेल की रिकमेंडेशन दी है जो कि HCL टेक फ्यूचर्स में है, बेचकर चले स्टॉक को 1050 के डाउनसाइड टारगेट के। हमारी आती कमोडिटी बाजार की रणनीति समझाने की और SMC कॉम्ट्रेड की वंदना भारती की तरफ से आज की रिकमेंडेशन आई हैं। सोना बेच के चलने की रिकमेंडेशन है, 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो घरेलू बाजार में भी बेच के चले, टारगेट 55,100 का मिल जाएगा। लेकिन कच्चा तेल कई दिनों की गिरावट पर यहां पर ब्रेक लगा है, स्ट्रेंथ आई है, तो 6250 के पास खरीद के चले। अपसाइड में 6400 तक के टारगेट आपको कच्चे तेल में देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं FIR की तरफ और आपको बताते हैं कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई हैं, फॉरेन ब्रोकरेजेस का भरोसा कहां कहां पर बना हुआ है। तो मॉर्गन स्टैनली एक्सिस बैंक पर उनका ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 1200 का दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस सनफार्मा पर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट 950 का है। नोमुरा अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी की सलाह, हालांकि टारगेट इन्होंने थोड़ा सा ट्रिम किया, 5107 नया टारगेट है। सिप्ला पर सिटी की खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट इन्होंने भी थोड़ा घटाया है, 1140 नया लक्ष्य है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी एंटरटेनमेंट, सिटी की खरीद की सलाह है, टारगेट है 280 का।